फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज इस लेसन में मैं आप लोगों के लिए हमारे वीएफएम का जो मॉड्यूल डी का यूनिट 16 है, जो कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे बेस्ड है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को से फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी मैं डिस्कस करना हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से समझ पाएं, और इस टॉपिक में यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से उसे सॉल्व कर पाएं। दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें जो मैच्योरिटी बकेट का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एक साल उसे केस स्टडी पूछा जाता है। और आपको यदि उस केस स्टडी के बारे में जानना है तो मैंने जो वीडियो लेसन बनाया था प्रीवियस ईयर का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि मैच्योरिटी बकेट पर जो बेस्ट केस स्टडी पूछे जाते हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को जो कि बेस्ड है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डेफिनेशन है, तीसरा डायमेंशंस एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। आप मैकमिलन का बुक भी उठाइएगा तो आपको देखिएगा यही सब टॉपिक्स आपको कवर करना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। देखिए, लिक्विडिटी होता क्या है। बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करे और लिक्विडिटी को इंश्योर करे। दो चीज़ इंश्योर करना है। देखिए दोस्तों, जो भी स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए ध्यान से हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो मैंने क्या बताया, ALM का दो ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या दो ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। ठीक है दोस्तों, अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी को इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्वालिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लिक्विडिटी एक्सपोजेस द ऑर्गेनाइजेशन टू लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी के कारण जो है किसी संस्था को कौन सा रिस्क मिलता है, कौन सा रिस्क एक्सपोज होता है? लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोज होता है। और लिक्विडिटी रिस्क जो है हमारे एवरीडे मैनेजमेंट का नॉर्मल एस्पेक्ट है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका डेफिनेशन पे आते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रिक्वायर्ड टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल एंड टू फंड लोन डिमांड्स। ऑब्वियसली बात है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? कि जो मान लीजिए लोग विड्रॉल के लिए आए हैं तो उन्हें पैसा मिल जाए, और जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन्हें फंड मिल जाए। ठीक है, तो फंड का डिमांड और विड्रॉल वाला डिमांड ये लिक्विडिटी मीट करता है दोस्तों। दूसरा चीज़ है टू कंपेंसेट फॉर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड बैलेंस शीट फ्लक्चुएशन। तो दोस्तों, बैलेंस शीट में जो फ्लक्चुएशन होता है और वो जो एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, उसके लिए उसके पूर्ति के लिए हम लोग लिक्विडिटी का प्रयोग करते हैं। तीसरा है ग्रोथ के लिए फंडिंग। ग्रोथ के लिए फंडिंग भी लिक्विडिटी से ही होता है। लिक्विडिटी रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड टू फंड इंक्रीज इन एसेट। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या शो करता है? ये एक क्षमता शो करता है कि हम लायबिलिटी को घटा सकें और अपने एसेट को बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जरा तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि डायमेंशंस एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये मेन चैप्टर है। हम लोग लिक्विडिटी को समझ लिया आखिर होता क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग डायमेंशंस को देखते हैं और इसके रोल को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फंड टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन अ रीजनेबल प्राइस एट ऑल टाइम। ऑब्वियस बात है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फंड को जनरेट करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकें एक रीजनेबल प्राइस पे। न्यू लोन डिमांड्स, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स एंड डिपॉजिट विड्रॉल आर द बेसिक कॉन्ट्रेक्चुअल और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन दैट अ बैंक मस्ट मीट। तो अब वो जो मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि जो ऑब्लिगेशंस हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल या रिलेशनशिप ऑब्लिगेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, नया लोन का डिमांड होना, या जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है उसे फुलफिल करना, या डिपॉजिट विड्रॉल। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्ट्रेक्चुअल या रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन है जो कि बैंक को मीट करना होता है। अब देखिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फंक्शन मैं चार फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहला, डिमॉन्स्ट्रेट टू द मार्केट प्लेस दैट बैंक इज सेफ एंड हैज़ रिपेमेंट कैपेसिटी। मतलब मार्केट में ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि बैंक जो है वो सेफ है और उसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी है। दूसरा बात, इनेबल टू मीट इट प्रायर लोन कमिटमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो पहले का लोन कमिटमेंट है उसको मीट करता है ये। तीसरा, इनेबल बैंक टू अवॉइड अनप्रॉफिटेबल सेल ऑफ एसेट। हाँ, अब वो एसेट जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको नहीं बेचना है, तो ये हेल्प करता है बैंक को ये पता लगाने में कि ये वाला एसेट का सेल अनप्रॉफिटेबल है, उसे अवॉइड करो बेचना। चौथा, लोअर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। तो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम के साइज को लोअर करना।
दोस्तों ये जितने भी स्लाइड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे हम लोग जब स्लाइड्स को कवर करने के बाद 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, आप देखेंगे सभी स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिक्वेसी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग। एडिक्वेसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट, मतलब पीछे का दिन देखते हैं कि उसमें फंडिंग रिक्वायरमेंट कैसे मीटअप किया गया था, अभी के लिक्विडिटी पोजिशन को देखा जाता है। एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग मीन्स नीड्स, अब ये एंटिसिपेट किया जाता है कि फ्यूचर में कितनी फंडिंग की नीड्स होगी। अब देखिए उसके बाद होता है सोर्स ऑफ फंड, ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग फंडिंग नीड्स, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड एसेट क्वालिटी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, प्रेजेंट एंड प्लान कैपिटल पोजिशन। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग एडिक्वेसी को डिटरमाइन कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। अब बैंक के लिक्विडिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो समझिए। सबसे पहला है अर्निंग के में डिक्लाइन होना, मतलब अर्निंग घट जाना। दूसरा है एनपीए का बढ़ना, मतलब बैंक का अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक का अर्निंग में यदि डिक्लाइन होगा तो एक तरह का वो बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, इंक्रीज इन एनपीए बढ़ जाना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसीज। उसके बाद है एक्सपेंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है एक्विजिशन, और लास्ट है हमारा न्यू टैक्स इनिशिएटिव। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। अर्निंग का डिक्लाइन होना, एनपीए का बढ़ना, डिपॉजिट का कंसंट्रेशन होना, डाउनग्रेडिंग, कोई रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड कर दिया, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक्सपेंड होना, फिर एक्विजिशन, किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, कोई बैंकिंग एक्वायर कर रही है, या नया टैक्स इनिशिएटिव। तो ये सब किसी बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। अब बैंक फंडिंग रिक्वायरमेंट कैसे मीट करती है वो समझिए। लिक्विड एसेट को डिस्पोज करके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को बढ़ाकर, जो लिक्विड एसेट, जो लेस लिक्विड एसेट है उसके होल्डिंग को घटाकर, जो टर्म नेचर के लायबिलिटी है उसे बढ़ाकर, और कैपिटल फंड को बढ़ाकर, और एसेट के सिक्योरिटाइजेशन को करके। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू बैंक फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट करती है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा समझ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स विच इज यूज टू फंड रिक्वायरमेंट। और चार में इसमें से मैंने 6 ऑप्शन दिया है, आपके सामने 4 रहेगा और लास्ट रहेगा नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट्स को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दो तरह के लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या आता है, परसेप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन वेरियस मार्केट, चाहे लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। और एक्सटर्नल में क्या आता है, ज्योग्राफिक, सिस्टमिक और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक। तो ये तरह के रिस्क के हमारे टाइप्स हैं। अब देखिए एक हमारा फंडिंग रिस्क है। फंडिंग रिस्क क्या होता है, नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसा हुआ कि एंटिसिपेट नहीं किया गया था पहले से कि ज़्यादा विड्रॉल हो जाएगा या रिन्यूएबल नहीं होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा, रिन्यू नहीं किया जाएगा। उसके कारण क्या हो गया, उसका नीड आ गया, ज़रूरत आ गई कि हमें नेट आउटफ्लो को रिप्लेस किया जाए। अब देखिए सर कारण क्या क्या है, कारण क्या है दोस्तों, फ्रॉड कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस, कोई फ्रॉड हो जाए तो उसके कारण फंडिंग रिस्क आ सकता है, कोई सिस्टमिक रिस्क आ जाए, या कोई कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक पे डूब जाए तो क्या होगा, लोग एकदम टूट पड़ेंगे पैसा निकालने के लिए। तो ये क्या हुआ, अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल ही तो हुआ ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कोई फॉरेन करेंसी का लायबिलिटीज आ जाए, तो ये सब तरीके हैं जिसके कारण फंडिंग रिस्क आ सकता है। उसके बाद देखिए टाइम रिस्क की मैं बात करता हूँ। टाइम रिस्क में क्या होता है, नीड टू कॉम्पेंसेट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड, यानी जो फंड आने वाला था, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था कि वो आएगा लेकिन उसका रिसिप्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपेंसेशन करना पड़ेगा, तो उस केस में टाइम रिस्क आता है। इसे कैसा कारण देखिए, सेवियर डिटरेशन इन एसेट क्वालिटी का डिटरेशन। दूसरा है कि स्टैंडर्ड एसेट एनपीए में बदल जाना। तीसरा है टेम्प्रोरी प्रॉब्लम इन रिकवरी में टेम्प्रोरी प्रॉब्लम। और चौथा है टाइम इन्वॉल्व इन मैनेजिंग लिक्विडिटी। तो ये हमारा टाइम रिस्क का कारण है। और लास्ट है हमारा कॉल रिस्क। दोस्तों कॉल रिस्क पे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जितना भी पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। कॉल रिस्क में क्या होता है कि जो हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी के क्रिस्टलाइजेशन के कारण कॉल रिस्क आता है। इसका मेन कारण क्या है कि जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है उसका फंड बेस्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाना। और दोस्तों स्वैप एंड ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं स्वैप एंड ऑप्शन, उसके बारे में। चलिए अब हम लोग अपने चौथे टॉपिक पे आते हैं, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो हम लोग लिक्विडिटी रिस्क को समझ लिए हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये हार्मफुल होता है, अब हमें कैसे इसे मेजर करना है और कैसे इसे मैनेज करना है वो समझते हैं हम लोग। दोस्तों यदि ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिस पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो सबसे पहला क्या है, गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा है सेंट्रल लिक्विडिटी कंट्रोल। तीसरा
तीसरा है एनालिसिस ऑफ नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट अंडर अल्टरनेटिव सिनेरियोज, चौथा है डायवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज और पांचवा है कंटिजेंसी प्लानिंग। ध्यान से समझिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए पांचों के पांचों एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विड मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी पांच एलिमेंट्स हैं लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स नेसेसरी है लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए, क्या क्या स्टेप नेसेसरी है दोस्तों। देखिए सबसे पहला है डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी हमें ढांचा तैयार करना होगा जिसके थ्रू हम लोग लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सकें। दूसरा है सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क, यानी लिक्विडिटी रिस्क के लिए हमें टॉलरेंस लेवल को सेट करना है और एक लिमिट को सेट करना, अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा मैं बताता हूँ, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो आप बताइएगा कि एक स्ट्रक्चर को डेवलप करो, दूसरा है कि टॉलरेंस लेवल और लिमिट को सेट करो, और तीसरा है कि जो लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करो और उसे मैनेज करो। अब देखिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं वो मैं समझाता हूँ। तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर द बैंक, एंश्योरिंग इफेक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑवरसाइट। दूसरा है ऑपरेटिंग अंडर अ साउंड प्रोसेस फॉर मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए, दे शुड सेट आउट जनरल अप्रोच टू लिक्विडिटी इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट, दे शुड एड्रेस बैंक गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड एबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेसफुल इवेंट, दे शुड एनोसिएट स्पेसिफिक पॉलिसी ऑन पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं दोस्तों, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये सब स्ट्रेटजी हैं जिसके थ्रू हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के रिस्क को बचा सकते हैं, लिक्विडिटी रिस्क से बच सकते हैं। ठीक है, बोर्ड को क्या करना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे और लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को मॉनिटर करे। ठीक है, अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी को कैसे ट्रीट किया जाए। तो फॉरेन करेंसी देखिए एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर लेती है। बैंक लेस वेल नोन टू लायबिलिटी होल्डर इन फॉरेन करेंसी मार्केट हु मे नॉट बी इन पोजीशन टू करेक्टली एस ए डोमेस्टिक मार्केट सिचुएशन, इन एन इवेंट ऑफ डिस्टर्बेंस बैंक मे नॉट बी एबल टू मोबिलाइज डोमेस्टिक लिक्विडिटी टू मीट फॉरेन करेंसी फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो फॉरेन करेंसी का जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको बैंक अपने अपने डोमेस्टिक लिक्विडिटी से नहीं मीटअप कर पाती है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें फॉरेन करेंसी का रिस्क आ जाता है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा की डिसीजन लेना चाहिए वो आप इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क। तो टॉलरेंस लेवल को सेट करना, तो लिमिट देखिए किस किस लाइन पे सेट होगा। पहला है कुमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैचेस ओवर पार्टिकुलर पीरियड टेकिंग कंजर्वेटिव व्यू ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट और परसेंटेज ऑफ टोटल। देखिए यहाँ पे कुछ रेशियो का बात किया गया है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट रेशियो, दूसरा है लिमिट ऑन लोन टू कैपिटल रेशियो, लिमिट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एंटीसिपेटेड फंडिंग नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्स, प्राइमरी रिसोर्स फॉर मीटिंग फंडिंग नीड्स शुड बी क्वांटिफाइड, फ्लेक्सिबल लिमिट ऑन परसेंटेज रिलायंस ऑन अ पर्टिकुलर लायबिलिटी कैटेगरी, डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड मार्केट सेगमेंट्स, फ्लेक्सिबल लिमिट्स ऑन मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, और लास्ट है मिनिमम लिक्विडिटी प्रोविजन टू बी मेंटेन टू सस्टेन ऑपरेशन। दोस्तों ये लिमिट्स को सेट किया गया ना, ये सभी पे लिमिट्स को हमें सेट करना है, ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करेंगे और मैनेज करेंगे। पहला अप्रोच का नाम है स्टॉक अप्रोच, दूसरा अप्रोच का नाम है फ्लो अप्रोच। आइए समझते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक अप्रोच से। तो स्टॉक अप्रोच क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी किसी पर्टिकुलर डेट पे एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कितना है उसके बेसिस पे होता है। देखिए पहला रेशियो है कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, कोर डिपॉजिट को नोमिनेटर में लिखिए, टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिखिए। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ज्यादा रेशियो का वैल्यू होगा उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि कोर डिपॉजिट जो है वो हमारा लिक्विडिटी का स्टेबल रिसोर्स है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो, नेट लोन को नोमिनेटर में और टोटल डिपॉजिट को डिनोमिनेटर में। ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोन टू पब्लिक डिपॉजिट जितना ये रेशियो कम होगा उतना अच्छा है। तीसरा है हमारा रेशियो ऑफ टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, तो टाइम डिपॉजिट को नोमिनेटर में, टोटल डिपॉजिट को डिनोमिनेटर में। फिर से ये जितना रेशियो हायर होगा उतना बेटर है। और चौथा हमारा रेशियो ऑफ वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, वोलेटाइल लायबिलिटी को नोमिनेटर में, टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में, जितना कम ये रेशियो रहेगा उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि लायबिलिटीज है दोस्तों, लायबिलिटी को हमें कम रखना है। अब देखिए उसके बाद और कुछ रेशियोज हैं, रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट, फिर से वही बात, जितना कम रेशियो उतना अच्छा, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा रेशियो उतना अच्छा।
रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, देखिए ये सब रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था, याद है मुझे पिछले साल का, तो इसे ध्यान से समझिए। रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू टोटल एसेट जितना लोअर रहेगा, लायबिलिटी समझिए सिंपल सी बात है, लायबिलिटी यदि न्यूमरेटर में आएगा तो रेशियो जितना छोटा रहेगा उतना बढ़िया है, ठीक है। रेशियो ऑफ प्राइम एसेट टू टोटल एसेट, हायर द रेशियो हायर द बेटर। रेशियो ऑफ मार्केटेबल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, लोअर द रेशियो बेटर। देखिए दोस्तों, स्टॉक अप्रोच को भारतीय बैंक नहीं फॉलो करती है, इंडियन बैंक डू नॉट फॉलो दिस अप्रोच। अब हम लोग आते हैं फ्लो अप्रोच में, इसको हम लोग गैप मेथड भी कहते हैं। इसका तीन मेजर डायमेंशन होता है, पहला है मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा है मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, तीसरा है कंटिजेंसी प्लानिंग। दोस्तों इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर प्रिपेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी गैप रिपोर्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। फ्रेंड्स, यदि आप मैकमिलन बुक को नहीं पढ़ के केवल यही नोट्स को देख रहे हैं, ये मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैकमिलन बुक के, उसको उसमें वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों इस पार्टिकुलर पीडीएफ में। अब देखिए देखिए यहां पे अब मैं बताता हूं मैच्योरिटी लेटर का क्या काम है। तो जो हमारा नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट है, नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट का जो एनालिसिस होते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग एक मैच्योरिटी लेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग कुमुलेटिव नेट एक्सेस और डेफिसिट ऑफ फंड एट अ सेलेक्टेड मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करता है, यानी किसी मैच्योरिटी डेट में हमारा एक्सेस फंड है या फंड का डेफिसिट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मैच्योरिटी लैडर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस बेसिस पे हम लोग एक्सेस या डेफिसिट ऑफ फंड को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, बैंक का जो नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो डिटरमाइन किया जाता है एनालाइज करने पे बैंक के फ्यूचर कैश फ्लो को, जो कि किस एजम्पशन पे बेस्ड होता है, फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एंड देन कैलकुलेटिंग नेट एक्सेस ओवर टाइम फ्रेम ऑफ लिक्विडिटी असेसमेंट। अब देखिए एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला मैच्योरिटी लैडर है, दूसरा है अल्टरनेटिव सिनेरियो, तीसरा है मैनेजिंग लिक्विडिटी ओवर द चोजन टाइम फ्रेम, और चौथा है एजम्पशन यूज इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मैच्योरिटी लैडर, टू कंपेयर अ बैंक फ्यूचर कैश इनफ्लो टू इट्स फ्यूचर कैश आउटफ्लो ओवर अ सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। देखिए बैंक में जो कैश का इनफ्लो है और बैंक का जो कैश फ्यूचर में जो फ्लो होगा, उसे हम लोग उसमें तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी टाइम पीरियड सेलेक्टेड टाइम फ्रेम में। इनफ्लो कहाँ कहाँ से आता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। इनफ्लो आता है मैच्योरिंग एसेट से, जो एसेट मैच्योर हो रहा है वहाँ से, फिर जो नॉन मैच्योरिंग एसेट है लेकिन वो सेलेबल है उस पर आता है, उससे इनफ्लो आता है, और तीसरा है एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट लाइन दैट कैन बी ट्रैप्ड। और आउटफ्लो कहाँ से आता है, आउटफ्लो आता है लायबिलिटीज फॉलिंग ड्यू, कंटिजेंट लायबिलिटी, स्पेशली कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी ड्रॉन अपॉन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनफ्लो का सोर्स क्या है हमारा और आउटफ्लो का सोर्स क्या है। मैच्योरिटी लेटर को समझिए, मैच्योरिटी लेटर में क्या है, बैंक हैज़ टू एलोकेट ईच कैश फ्लो टू अ गिवन डेट, यानी प्रत्येक कैश फ्लो को बैंक को एक सर्टेन दिन में एलोकेट करना है। कैश इनफ्लो कैन बी रैंक बाय द डेट ऑन विच एसेट मैच्योर और कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ विच क्रेडिट लाइन कैन बी ड्रॉन डाउन। तो कैश इनफ्लो को रैंक कैसे करेंगे, कि जिस दिन वो मैच्योर हो रहा है, अभी मैंने बताया है एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिस दिन वो मैच्योर हो रहा है उस तरह से आप उसे रैंकिंग कीजिए। और कैश आउटफ्लो को रैंकिंग कैसे कीजिएगा, डेट ऑन विच लायबिलिटी फॉल ड्यू, जिस दिन लायबिलिटी जो है वो ड्यू फॉल हो रहा है, ठीक है, अर्लीएस्ट डेट अ लायबिलिटी होल्डर कुड एक्सरसाइज एंड अर्ली रिपेमेंट ऑप्शन और द अर्लीएस्ट डेट कंटिजेंसी कैन बी कॉल्ड, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड अदर कैश फ्लो शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अब क्या किया जाता है दोस्तों, द गैप फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड मे देयर आफ्टर बी मेजर्ड। अब इसके बाद हम लोग किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए गैप को मेजर करते हैं। तो ये था हमारा क्या, मैच्योरिटी लैडर, ठीक है। उसके बाद है हमारा अल्टरनेटिव सिनेरियो, इसके अंदर देखिए तीन पार्ट है, एक है जनरल मार्केट कंडीशन, एक है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस और तीसरा है हमारा जनरल मार्केट क्राइसिस। तो ये तीन चीज़ है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, जो तीसरा एस्पेक्ट था हमारा, देखिए अभी मैंने बताया था ना एस्पेक्ट हमारा क्या क्या था, मैच्योरिटी लैडर, अल्टरनेटिव रिस्क सिनेरियो, मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर चोजन टाइम फ्रेम, ठीक है। हम लोग हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कंटिजेंसी प्लानिंग। ये दो क्वेश्चन को एड्रेस करता है, पहला कि क्या मैनेजमेंट के पास स्ट्रेटजी है जब वो क्राइसिस हैंडल कर सके, ठीक है, और उसके अलावा कुछ प्रोसीड्योर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट के पास क्या प्रोसीड्योर है कि वो इमरजेंसी में कैश को ला सके, ठीक है, ये हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग के अंदर आता है। अब RBI का गाइडलाइंस क्या है वो समझिए। RBI ये कहती है कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं उसको 10 मैच्योरिटी बकेट में डालो, पहला टुमारो के अंदर, फिर 2 से 7 दिन, फिर 8 से 14 दिन, फिर 15 से 28 दिन, उसके बाद 29 दिन से लेके 3 महीना, फिर 3 महीना से 6 महीना, ऐसे करके 10 मैच्योरिटी बकेट है इसमें डालना है दोस्तों, ये RBI कहती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब देखिए हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन,
इन द फ्लो अप्रोच ऑफ फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट द नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड ए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एसेट बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी सी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट डी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिनल मैच्योरिटी एंड लायबिलिटी ऑफ एसेट। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था फ्लो अप्रोच में कि जो नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट है, आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, फ्लो अप्रोच में अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है ना लास्ट में कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो देखिए जितना भी स्लाइड्स है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है दोस्तों, जितना भी पीडीएफ मैंने बनाया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या मतलब है, किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेथडोलॉजी ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर अ बैंक हैज सफिशियंट लिक्विड फंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो अंडर डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियो इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन कंटिजेंसी प्लानिंग, अल्टरनेटिव सिनेरियो, कंटिजेंसी फंडिंग, मैच्योरिटी लैडर। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्टरनेटिव सिनेरियो। ये अभी हम लोग देखा था अल्टरनेटिव सिनेरियो को, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आरबीआई गाइडलाइंस रिक्वायर बैंक इन इंडिया टू क्लासिफाई देयर एसेट एंड लायबिलिटी इनटू हाउ मेनी बकेट्स। तो 10 बकेट अभी हम लोगों ने देखा था, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैच्योरिटी लैडर द कैश इनफ्लो अराइजेस फ्रॉम, अभी हम लोगों ने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, पहला मैच्योरिटिंग लायबिलिटी, दूसरा सेलेबल नॉन मैच्योरिटिंग एसेट, तीसरा एस्टैब्लिशिंग लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी टैप्ड, डी मैच्योरिटिंग एसेट। तो दोस्तों लायबिलिटीज का से ऐसे कैश इनफ्लो कैसे आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मैच्योरिटिंग लायबिलिटी से आपको इनफ्लो नहीं आता है, जबकि मैच्योरिटी एसेट से इनफ्लो आता है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच्योरिटी लेटर में कैश आउटफ्लो किससे अराइज होता है, कि कौन सा गलत है, मैच्योरिटिंग लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ड्रॉन डाउन, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दिस, इन सभी से जो है कैश आउटफ्लो अराइज होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ बैंक एबिलिटी टू विदस्टैंड नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन अ बैंक स्पेसिफिक और जनरल मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस डिपेंड्स ऑन ए कंटिजेंसी प्लानिंग, बी मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, सी अल्टरनेटिंग सिनेरियो बिल्डिंग, डी मैच्योरिटी लैडर एनालिसिस। तो दोस्तों ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तुरंत कंटिजेंसी प्लानिंग इसे कहते हैं, कि क्या क्राइसिस के टाइम बैंक जो है, बैंक के पास फंड रहेगा या नहीं रहेगा, वो कंटिजेंसी प्लानिंग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्लो अप्रोच, फ्लो अप्रोच के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ए फ्लो अप्रोच इज द बेसिक अप्रोच, बी फ्लो अप्रोच इज बीइंग फॉलोड बाय इंडियन बैंक, सी फ्लो अप्रोच इज कॉल्ड गैप मेथड ऑफ मेजरिंग एंड मैनेजमेंट लिक्विडिटी, डी फ्लो अप्रोच रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एसेट गैप रिपोर्ट। तो दोस्तों ए बी सी तो करेक्ट है, लेकिन डी हमारा गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका डी। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड विद इन अ बैंक फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, ए डेवलपिंग स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेटिंग टॉलरेंस लेवल, थर्ड मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, फोर्थ इंडक्टिंग फ्रेश कैपिटल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका 1, 2, 3 ऑल, फ्रेश कैपिटल का बात नहीं आता है, लेकिन जो पहला तीन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू मेजर एंड मैनेज लिक्विडिटी रिस्क देयर आर टू अप्रोच, दो अप्रोच कौन कौन सा है बताइए, एक फ्लो अप्रोच है और एक स्टॉक अप्रोच है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, विद अ व्यू टू लिमिट द लिक्विडिटी रिस्क द बैंक कैन फिक्स विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिमिट, अभी हम लोगों ने देखा था लिमिट पे भी क्वेश्चन आता है, तो लिमिट ऑन कुमुलेटिव कैश इनफ्लो मिसमैच ओवर पर्टिकुलर पीरियड, लिमिट ऑन लिक्विड एसेट एज परसेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट और लोन टू कैपिटल रेशियो, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज, ये चार्ट को आप देख लीजिए, गैप एनालिसिस का एक सिंपल डायग्राम मैंने समझाया है, इसके बेसिस पे आपको केस स्टडी पूछा जाएगा। तो गैप जब पॉजिटिव रहे, इंटरेस्ट रेट चेंज इंक्रीज बढ़ेगा, तो एनएनआई हमारा पॉजिटिव रहेगा। इस पे देखिए आपको 2-3 मार्क्स ये पार्टिकुलर स्लाइड आपको दिला देगा, तो आप समझ सकते हैं इस पार्टिकुलर पीडीएफ का क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों इस चार्ट को एक बार देख लीजिएगा, इस ये था हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टॉपिक। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, एक दो केस स्टडी है जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो नीचे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को जुड़िए चैनल के साथ। धन्यवाद।